के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 2 करोड़ के मादक पदार्थों के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते करते थे मादक पदार्थों की सप्लाई। शादी होने के बाद भी आशनाई पड़ी महंगी, प्रेमिका और पति ने मिलकर किया आशिक की हत्या। विवाहिता प्रेमिका और उसका पति हुए गिरफ्तार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन और त्योहारों के मद्देनजर एडीजी दावा शेरपा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। कहा, चुनाव और त्योहारों में खलल डालने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को खोलना होगा अलग से बैंक खाता। डीएम ने लीड बैंक मैनेजर व हेड पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर को अलग से काउंटर खोलने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश मत्स्य बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन रमाकांत निषाद का पदभार ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ प्रथम आगमन। मछुआ समुदाय और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ किया जोरदार स्वागत। फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। फीस वृद्धि वापस लेने की मांग, स्कूल के प्रबंधक ने झाड़ा अपना पल्ला। युवा कल्याण परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद गोरखपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, युवाओं के विकास से ही होगा देश का विकास। महानगर में अवैध टैक्सी स्टैंडों और बिना परमिट के चल रहे ऑटो पर चला पुलिस का डंडा, कई वाहन का चालान। एसपी सिटी ने कहा, शिकायत मिलने पर की गई है कार्रवाई। सीओ गोरखनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई पीस कमेटी की बैठक। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने पर हुई चर्चा। सीओ प्रवीण सिंह ने कहा, आपसी भाईचारे और सौहार्द पूर्वक मनाए त्यौहार। ब्लॉक स्तर पर बूथों को मजबूत करने और मतदाताओं के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित हुई जिला कांग्रेस की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और पीने के पानी की समस्या से परेशान एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने किया बैठक। कहा, पानी की समस्या से अवगत कराने के बावजूद बनी है समस्या, बैठक करके बनाई रणनीति।